हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे हमने कल क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट किया था कि यहाँ पे हमें थोड़ा नेगेटिव व्यू देखना है क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छी सेलिंग आ सकती है और डेफिनेटली मॉर्निंग में हमने यहाँ पे पुट एंट्री बना रखी थी। उसका बेसिकली अपडेट आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था, कौन से लेवल के ऊपर लिया था, कौन से स्ट्राइक प्राइस में लिया था। हार्डली वहाँ पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, मोर देन मेरे ख्याल से उस पर 80-100 पॉइंट्स वहाँ पे हमें एज अ प्रॉफिट मिला है। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हो। सिर्फ मुझे एक्सपेक्टेड था कि जब ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो और एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है जो मार्केट को 43,200 ये दो लेवल तक मार्केट आ सकता है, इसका मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने एक बेसिकली हॉल्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। उसके ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब मार्केट ने ये डिप करने के बाद वापस यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने बाइंग का डेफिनेटली सोचा। यहाँ से मैंने मार्केट की जो गैप फिलिंग का जोन है यहाँ तक उसको होल्ड नहीं किया, यहाँ तक मैंने उसको डेफिनेटली उसको कैरी किया, एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना। बैंक निफ्टी को तो मैं ट्रैक कर ही रहा था, लेकिन फिन निफ्टी जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कहाँ पे बाय करना है, किस तरह बाय करना है, कब बाय करना है जीरो टू हीरो के लिए, बीच में मैं ट्रेड नहीं लेता। तो जीरो टू हीरो में मैंने एक ट्रेड लिया डेफिनेटली, अगर मैं आपको दिखाऊँ पोजिशंस में तो अभी देखिए यहाँ पे फिन निफ्टी का जो है 54,000 यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी लेके यहाँ पे होल्ड किया था उसको टिल द हाई। तो मेरे ख्याल से मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समवेयर लाइक मैंने 19,400 का कॉल लिया था, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 55 के आसपास हिट हो चुका है। तो अगर हिट नहीं होता तो मे बी एक अच्छी खासी क्लोजिंग तक मैं होल्ड कर पाता था, लेकिन जो होता है मार्केट में डेफिनेटली अच्छे के लिए होता है। तो जितना मार्केट आपको देता है आपको वो लेके निकलना पहले सीखना होगा, राइट। तो यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, एक तो सेलिंग मोमेंटम जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि वापस बाइंग आया, वापस सेलिंग आया, तो वापस बाइंग आना नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेटली वापस एंड में एक लास्ट के एंड पार्ट में यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम देखने मिला है जो कि समवेयर लाइक इस फॉल का अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास आ चुका है, राइट। अगर इसको मैं ट्रैक करता हूँ आपके लिए, देखिए ये आपका है, ये आपका लो के आसपास है, तो समवेयर लाइक 50% के आसपास मार्केट ने अभी आके क्लोज किया। तो यहाँ पे अभी आगे क्या होना है, आगे होने के लिए आपको फर्स्ट मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अभी कल बेसिकली कहीं जाना नहीं चाहिए, मार्केट ने यहीं पे कहीं पे जाके टाइम पास करना चाहिए या फिर यहीं पे नीचे आके कहीं पे टाइम पास करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे कल ऑप्शन सेलर्स का दिन होगा ना कि ऑप्शन बायर का, जो मुझे मोस्टली लग रहा है। अगर मार्केट 44,000 को लेवल को ब्रीच करके सस्टेन करता है डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, या फिर 43,400 का अगर नीचे के साइड करेगा तो एक पॉजिटिव सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। इसके बीच में हल्के फुल्के मोमेंटम आएंगे, बड़ा ट्रेंड बड़ा रैली कैप्चर करने का एज सच अभी सिनेरियो नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट खुलने के बाद कुछ होता है तो डेफिनेटली मेरा जो टेलीग्राम आईडी है यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे हमने जो पुट ऑप्शन लिया था जिसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है उसका भी डिटेल्स मैं डेफिनेटली डेली शेयर करता हूँ, मैं कौन सा ट्रेड लेता हूँ क्या लेता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट लेवल, लेकिन मैंने यहाँ पे काफ़ी कम लेवल्स ड्रॉ किए हैं तो इसके हिसाब से फर्स्ट देखेंगे। सी मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, अगर नीचे आता है तो 43,600 अगेन हमारा बाय ऑन डिप सिचुएशन होगा, ओके। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप सिचुएशन होगा अगर मार्केट फ्लैट खुल के या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के नीचे आता है और यहीं पे एक कुछ सपोर्ट बना के मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो समवेयर लाइक 50% रिट्रेसमेंट के पास मार्केट एक वापस बाइंग मोमेंटम दिखा सकता है, राइट। तो ये जो मोमेंटम है इसका 50% समवेयर लाइक 43,600 के आसपास आ रहा है, उसी के आसपास हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। सेकेंडली लेट से मार्केट खुलते ही ऊपर जाता है तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है, इमीडिएटली सेलिंग आ सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ी मोमेंटम आई है, तो रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। उस रिट्रेसमेंट के बाद एक हायर हाई के स्ट्रक्चर के आसपास आप वापस फिर से बाय कर सकते हो, उस केस में छोटा टारगेट 44,000 का ही होगा, लेकिन एक बड़ा बाइंग मोमेंटम आएगा। लेकिन लेट से कि मार्केट खुलते ही काफ़ी तेजी से फर्स्ट हाफ में ऊपर आ जाता है और फिर यहाँ पे होल्ड करने लगता है, उस केस में इस ब्रेकआउट के ऊपर एक काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है। तो 44,000 मेरे लिए क्रूशियल लेवल है, अगर आपको लाइक बड़ा मार्केट का ट्रेंड चाहिए तो आपको 44,000 एंड 44,400 ये दो लेवल को आपको ट्रैक करना है इन द कमिंग फ्यूचर, क्योंकि इसी के ऊपर आपको काफ़ी बड़े अच्छे बाइंग मोमेंटम मिलने वाले बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको सेल करना है तो मैं बोलता हूँ आपको वेट कीजिए, मार्केट को आने दीजिए एटलीस्ट 43,400 के आसपास, या फिर उसको एटलीस्ट 43,600 के नीचे काफ़ी टाइम लेट लेस 15-20 मिनट ट्रेड करने दीजिए, उसके बाद ही इसमें सेलिंग का सोचिए, उसकी पहले सेलिंग का मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के पास बाइंग आ रही है। तो अगर इन बायर्स को ट्रैप करना है तो मार्केट को काफ़ी ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए शुरू में यहाँ पे सेलर मतलब बायर्स को ट्रैप किया मार्केट ने नीचे आके कुछ लोगों को सपोर्ट दिखा के, लेकिन मॉर्निंग में सेलिंग आई जिसके बारे में हमने कल ऑलरेडी बात की थी, लेकिन वो सेलिंग आने के बाद वापस यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आया है।
तो यहाँ पे सेलर्स भी फिर से ट्रैप हो चुके हैं, तो हमको वेट करना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्गर मोमेंटम के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन का आपको वेट करना होगा। ओके, अब बात करते हैं अगर आपको बैंक निफ्टी से होगी निफ्टी में ट्रेड करना, तो निफ्टी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, राइट। निफ्टी में रिकवरी दिखी एंड का, ये जो 3 बजे के मतलब तीन बजे के बाद जो मोमेंटम आया उसकी तरफ देखिए काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आया, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो पॉजिटिव के लिए, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलता है डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, जो कि मार्केट को ये जो रिसेंट स्विंग है इसको निकालने के बाद 18,900 काफ़ी दूर नहीं बचता, तो यहाँ पे एक 60-70 पॉइंट्स का आराम से एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन आपको दो चीज़ें याद रखनी है, मार्केट अगर खुलती डायरेक्टली क्रॉस करेगा तो मैं इतना बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन खुलने के बाद अगर कुछ देर टाइम पास करके निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक कंटिन्यूस मोमेंटम आया है तो रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर डेफिनेटली मार्केट ऊपर निकलेगा बाइंग तो हो सकती है, मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है कंटिन्यूस, फिर गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सही से नहीं बैठेगा। सही से रिस्क रिवॉर्ड कब बैठेगा, जब मार्केट खुलते यही कुछ टाइम पास करके अगर निकलता है, या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के यहाँ सपोर्ट लेके निकलता है, तो ये आपका बाय ऑन डिप सिचुएशन है, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मार्केट को कुछ टाइम रुकना जरूरी है, डायरेक्टली निकलेगा तो बाइंग आ सकती है, लेकिन मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उस केस में यहाँ पे इस जोन के आसपास मैं सेलिंग का सोचूंगा अगर कुछ दिखता है तो, लेकिन एक्चुअली सेंटिमेंट बाइंग साइड का है, यहाँ पे सेलिंग का सोचना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कंटिन्यूस मोमेंटम आया है तो मार्केट एटलीस्ट थोड़ा रिट्रेस करके ही ऊपर जाएगा, तो इसमें मैं स्कैल्पिंग का ट्रेड सेलिंग का देख सकता हूँ। ओके, अगर निफ्टी में आपको सेलिंग करनी है तो सेम लेवल, जैसे ये बाय ऑन डिप सिचुएशन हमारा, तो 18,700 एंड आप बोल सकते हो 50, इसके नीचे अगर 15-20 मिनट सस्टेन करता है तो ही आपको निफ्टी में सेलिंग का सोचना है, नहीं तो आपको सेलिंग का नहीं सोचना है। देखिए यहाँ पे कल का जो सीनियर था वो अलग था, निफ्टी काफ़ी सेलिंग मोमेंटम, काफ़ी अच्छा सेलिंग मोमेंटम दिखाया। आप यहाँ पे जाके कैंडल्स देखिए मॉर्निंग में कितने अच्छे से मार्केट नीचे गिरा है, तो जब जहाँ पे लेवल से वहाँ पे अच्छा उस हिसाब से सेंटिमेंट के हिसाब से ट्रेड मिल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे सेलिंग का कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको जानबूझ के या फिर ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उस केस में आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फिर लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको वेट करना है, अगर मार्केट इसके नीचे एटलीस्ट 15-20 मिनट ट्रेड करता है उसी केस में आपको सेलिंग का सोचना है, फिर आप जो सेल ऑन राइज देखिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देखिए, कुछ भी देखिए आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर बीच में आप ट्रेड करके आप कोई ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बीच में ट्रेड करना की कोशिश करोगे डेफिनेटली वहां पे लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए काफी लोग को लगता है कि जो प्राइज एक्शन बेसिकली वो काम नहीं करता है, प्राइज एक्शन जो है वो कभी कभी कभार काम करता है कभी कभार नहीं करता। डेफिनेटली अगर आप सही जोन में उसको अप्लाई करोगे तो इट वर्क्स लाइक अ चार्म, लेकिन अगर आप उसको बीच में ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक्यूरेसी लेस देन 50% मिलेगा, जो कि कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको एटलीस्ट अच्छा खासा एक्यूरेसी के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोले हैं, जो गौर से उसको लिख के लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए ताकि वो बाद में आप मार्केट में ऑब्जर्व कर सके। अगर आपको स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करना है तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर मॉर्निंग सब समय लाइक 7:30 वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कौन से स्टॉक में आप बाय या सेल कर सकते हो उसके पीछे का लॉजिक, तो डेफिनेटली मेक श्योर टू चेक इट आउट एज वेल। एंड ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कुछ डाउट क्वेरीज हो के तो डेफिनेटली आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।